वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से हैं। अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है बेटा, ये भी अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो मतलब यूनिवर्सिटी के जितनी भी है ना यूपी की, सभी एक जैसा पेपर बना रही है, समझ लीजिए। क्योंकि सिलेबस से बाहर थोड़ी देंगे, सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का एक जैसा है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का वही है, तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ वही तैयार करके जाइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ जो मैंने आपको 2022 में आने वाले क्वेश्चन दिए ना, वही पेपर में छप रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। पूरा 90%, 99%, 95%, 87%, मतलब 85% प्लस आपको मिलेगा देखने को। नीचे की तो बात ही मत करो, मतलब कि 2022 में आप टॉप बनने वाले हो, टॉपर करने वाले हो अपनी यूनिवर्सिटी, तो आपके यूनिवर्सिटी में कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है आपको, समझ रहे हो। बस जो हमने कहा है वही क्वेश्चन को देख के जाना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं देखना है, ये मैं आपसे खुद कह रहा हूं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 7037 3278 और 38, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इस पर आप कॉल भी कर सकते हो इमरजेंसी होने पर, ठीक है। आप क्या है, आप इस नंबर से आप मैसेज करोगे हमें, इधर से इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चनों के मिल जाएंगे, जो आपको आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। बस आप इतना पढ़िए जो हम आपको बता रहे हैं, फालतू कुछ मत पढ़िए, हम बोल रहे हैं आपसे कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको बता रहे हैं वही पढ़िए जबरदस्त तरीके से। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जो हम बताएंगे वही पेपर में आएगा, ठीक है। और हमने जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, अब देखिए ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री 75 नंबर का पेपर था, 3 घंटे में सोल्यूशन करना था, ठीक है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, वेरी शॉर्ट में, फिर शॉर्ट में, फिर लॉन्ग में, ठीक है। ये 75 नंबर का टोटल पेपर था जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का था, अयोध्या यूनिवर्सिटी से बोल सकते हैं, अवध यूनिवर्सिटी बोलते हैं। अब यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, कोई भी दिक्कत है आपने, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं वो तैयार करो, बाकी कुछ मत देखो। अब मैं आपको यहां प्रूफ करके दिखा सकता हूं, प्रूफ जानते प्रूफ कैसे कहते हैं, आप हमारी वीडियो को पहले इसको पूरा देखना, ध्यान से देख लेना, उसके बाद में जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई है आपको 2 से 3 दिन पहले प्रोवाइड करा देता हूं पेपर से, आप वो देख लेना, सारे पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है, हम प्रूफ करते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बस इतना लिख दिया करो कि हाँ जो सर ने कहा वही पेपर में आया है, बस इतना लिख दो आप, ठीक है, कि जो सर आपने बताया था वही टोटल पेपर में आया है, 87% फंसा है, 85%, जो आपके हिसाब से फंसा है उतना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। अब यहां देखो मैं आपको 50 नंबर का आपको ऑप्शन देना पड़ता है, वही मैं आपको एक पेज है उसका आधा लिख दो आंसर आ जाएगा, शॉर्ट वाला यही होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा पेज भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, 20 नंबर के हैं, पहला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ कह रहा है परिचालन, परिचालन जो निकाय होता है उसकी परिभाषा के बारे में, परिचालन निकाय क्या होता है ये हमसे पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो ये वाला जो आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा इंपोर्टेंट दिया था, 2 नंबर का, देखो ये फंस चुका है, पूरा देख लीजिए, ठीक है। साइन एक्स के बारे में देखा था, और यह देखो है साइक्लोहेक्सेन, देखो साइक्लोहेक्सेन की कुर्सी और नाभ का जो पूरा क्वेश्चन दिया था मैंने, कि कुर्सी और नाभ का, मैं आपको कहा कि शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूरा शॉर्ट में बनाया, 2 नंबर का देख लो, नाभ और कुर्सी के बारे में, हेक्सेन के बारे में पूछा था, पूरा क्वेश्चन वही आया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ है कंफर्मेशन और कॉन्फिगरेशन, इन दोनों के बारे में देख लो, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया, अंतर पूछने का है। और अनुनाद ऊर्जा, अनुनाद जो ऊर्जा है वो, उसके बारे में मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया, छोड़ दीजिए। और ये है आपका देखो कार्य, कह सकते हैं कार्यलिटी की परिभाषा, कार्यलिटी की परिभाषा भी मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दी थी, छोड़ दीजिए। विषम विदलन की बात करें, ये भी मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया, इसको भी छोड़ना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ मीसो यौगिक की बात करें, अभी देखो शॉर्ट चल रहे हैं, अभी लॉन्ग में पहुंचेंगे, और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर में हमारा टारगेट नहीं होता, हमारा टारगेट होता है बड़े बड़े क्वेश्चनों में, ठीक है। और वही बहुत है, आप एक बार क्वेश्चन को भी छोड़ के नहीं आना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, वंचित रह रहा है, तो आप उसको तुरंत बना बना के लिखो, ठीक है, बना बना के लिखना है, लेकिन लिख के जरूर आना है। अब यहाँ देखो मीसो का यौगिक क्या होता है, मीसो कंपाउंड के बारे में ये देख लीजिए, उसके बाद में आप देख सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पूरा क्वेश्चन फंसा है, आप देख लीजिए। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन फंसा है, देखो थ्योरी आपसे पूछी गई, BSEPR थ्योरी जो होती है, ठीक है, पूरी थ्योरी आपसे पूछी गई, पूरा क्वेश्चन फंसा है, आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन फंसे, 1 2 3 3 4 देखो 3 4 5 और 5 और 1 6 क्वेश्चन फंसे हैं, 2 के हिसाब से कितने हो गए, 12 नंबर के हो गए बेटा, 12 नंबर के तो क्वेश्चन ही हो गए, देखो 12 नंबर हमारे वेरी शॉर्ट में फंसे हैं, अब ध्यान देखना 12 नंबर। चलो नीचे जाते हैं हम लोग, अब पहुंचते हैं हम लोग शॉर्ट में, सेक्शन नंबर बी में, सेक्शन नंबर बी में आपको 200 वर्ड में आंसर लिखना होता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता ही होगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देना, साफ दिखाई देगा, ठीक है। अब यहां आप देख लीजिए, हमसे एक नोट्स पूछा है कि आपको रिटन नोट्स लिखना है, वो कार्बोकेटाइन के ऊपर, कार्बोकेटाइन के ऊपर पूरा नोट्स लिखना है, पूरा क्वेश्चन फंसा है, देख लीजिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको करना है, देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद में हमें देखो क्या देखना है, अब यहां देखिए हमारा पूरा ही क्वेश्चन फंस चुका है, उसके बाद में देखो ये जो है वल्डर वाल्स वल, पूरा क्वेश्चन फंसा है, वही जो हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया 7 नंबर का, आपको देख सकते हो ये फंस चुका है। यहाँ है B2 अरबिक अक्षर, देखो हमसे पूछा है जो अरबिक अक्षर होते हैं उनकी ऊर्जा आरेख बनाइए, ठीक है,
ऑर्डर एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी डायग्राम बनाना होता है। V2 का हमसे पूछा है, देखो V2 का हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जो ऑर्डर की बात करने वाले, एनर्जी की याद करने के लिए मैंने आपको नहीं बताया था, इसको छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद में आता है एक है कह सकते हैं स्लॉटर नियम चर्चा, इसके बारे में इंपोर्टेंट दिया, छोड़ दीजिए इसको, जो वही है उसको देखना है बस। और यहां है आपका शायद है पॉलिंग स्केल, इसको भी छोड़ दीजिए। नीचे वाले क्वेश्चन पर जाइए, आवर्त सारणी के देखो आपको आयनिक ऊर्जा के बारे में पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है, आप देख सकते हो। एनर्जी के बारे में जो आपको दिया था, आवर्त सारणी की विवेचना करने के लिए हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, पूरा क्वेश्चन 7 नंबर का फंसा है, एक देख सकते हो। और LR और SR नामक आपको ये आपसे सिस्टम जो होते हैं उनके आपको व्यवस्था करने के लिए पूछा गया। और वहीं देखो इलेक्ट्रोनेशन नाभिक स्नायु अभिकर्मक, ये पूरा क्वेश्चन फंस चुका है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं दिया था। हमसे 5 क्वेश्चन करने के लिए बोला गया, देखो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फंसे उसके बाद में देख लीजिए, और ये हमारा 3 क्वेश्चन फंसे, 4 क्वेश्चन फंसे। तो 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ फंसे हैं जो हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। अब 7 चौक के हिसाब 7 5 मतलब 7 नंबर के हिसाब से मैं 4 क्वेश्चन फंसे हैं, तो 7 चौक 28 नंबर के हमारे यहां फंस जाते हैं। कितने? 28 नंबर के, और 12 नंबर के हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फंसे थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन में जाते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे कितने फंसे हैं, देखो ध्यान से। अब देखो एक आध क्वेश्चन आप बना बना कर दीजिए, ऐसा नहीं होता कि टोटल के टोटल पेपर को बताया जाए। अब लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन देते हैं 85% जो हम आपको प्लस की बात करते हैं वो प्लस ही आता है, कम नहीं आएगा। अब यहां देख सकते हो कि यहां बोला गया है 500 वर्ड में लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन आपको करना है, 4 क्वेश्चन यहां दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 में से आपको 2 करना है, ठीक है, 4 में से 2 करना है। अब यहां देखो 2 क्वेश्चनों का आपको उत्तर देना है, प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहां देखो पहला क्वेश्चन आ गया कार्बिन पर टिप्पणी लिखिए, पूरा क्वेश्चन फंसा है 10 नंबर का, देख लो। यहां बोला गया हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का फंसा है, देखो कुछ बाहर तो नहीं गया। उसके बाद में है अति संयुग्मन को समझाइए, हाइवो कंजुगेशन, पूरा क्वेश्चन देखो 10 नंबर का फंसा है, फंसा नहीं फंसा है। अब जो देखो ज्यामितीय समवयता आएगी, पूरी ज्यामितीय समवयता मैंने आपको 3 समवयता, त्रिमितीय समवयता, ज्यामितीय समवयता और प्रकाशीय समवयता, 3 प्रकार की समवयता को बताया था याद करने के लिए। चारों के चारों क्वेश्चन फंसे हैं, जो आपका दिल करे वो क्वेश्चन कर सकते हो। 20 नंबर यहां से ऐड कर लीजिए, और तुम्हारे कितने फंसे थे बेटा, 28, 7 चौक 28 वो थे, 12 वो थे, और 20 दिए थे, कितने हो गए आपको 48 48 12, कितने हो गए 60 नंबर का फंसा है 75 में से 60 नंबर का पूरा फंसा है पेपर, देख लो फंसा तो बहुत ज्यादा है, बड़े आराम से ऐसे 4 के 4 लोगों फंसे हैं जो आपको मैंने बताए थे। जो हमने बताया है वही पेपर में आ रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। पूरे यूपी का जो पेपर हम देख रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिद्धार्थनगर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, एमपी की, यूपी की, एमपी की, सबको मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन पेपर हैकर द्वारा जो बताया जा रहा है वही पेपर में आ रहा है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जो जो क्वेश्चन बताए वही पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।